मित्रों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम जो है शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट का जो है पुबाया है उसमें कोल्ड स्टोरेज है खुशी कोल्ड स्टोरेज, इस कोल्ड स्टोरेज के अंदर चल रहे हैं और इस कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो है क्या कुछ भाव चल रहे हैं, कैसी निकासी है और आगे क्या देखने को मिल सकता है वो अभी आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। और हमारे साथ जो है बिक्की भाई हैं जो कि हमारा बहुत मदद कर रहे हैं, अभी आप लोगों को भी उनको दिखाएंगे, आप लोग जो है वीडियो में लेकर के आएंगे उनको, उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। अभी कोल्ड स्टोरेज के अंदर एंट्री किया तो बरामदा, तो मुझे यहाँ पर भी खाली खाली सा आलू कटा पड़ा है कोई सा ना, ये देखो यहाँ पर ये आलू कटा पड़ा है यहाँ पर, और ये यहाँ का कोल्ड स्टोरेज है खुशी कोल्ड स्टोरेज है केवल सिंध चंदी, ये देखो। और इधर तो फिलहाल में कुछ नहीं हो रहा है और इधर पे ये आलू काटे पड़े हैं, आपको पहले ही दिखाते हैं और फिर कोल्ड के मालिक हैं या मैनेजर या व्यापारी या किसान कोई भी मिलते हैं उनसे आपकी बातचीत कराते हैं। और यह कोल्ड स्टोरेज जो है उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है शाहजहांपुर, वहीं पे एक गांव है पुबाया, मतलब एक तहसील है पुबाया जो कि मिनी पंजाब के रूप में जानी जाती है, यहाँ पर टोटल पंजाबी लोग होते हैं तो वो जो अच्छी तरीके से आलू की खेती करते हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये आलू चिप्स होना है और ये भी चिप्स होना है, ये कौन सा चिप्स होना आलू है? हेलो भैया, चिप्स होना है ना? ये देखो ये कटा पड़ा है, लेकिन अभी यहाँ कोई है नहीं क्योंकि बरसात हो रहा है ना उस वजह से। और अभी जो है ये विक्की बाबूजी हैं और जो कि हमको यहाँ पर पूरा विजिट करा रहे हैं। विक्की बाबूजी से पूछते हैं क्या क्या पता चला भैया, क्या है? अच्छा तो अभी ये कौन सा आलू है आप ही बता चल के मुझे? ये पुखराज, पुखराज आलू है। मुझे तो चिप्स होना, हमने ये तो चिप्स होना बता दिया इन्होंने, बहुत मटीला मटीला सा लग रहा है। ये देखिए ये पुखराज आलू है पीली काट का जी। थोड़ा यहाँ के बारे में बताइएगा जगह। और ये ग्राम बहादुरापुर पोस्ट जंगसरा तहसील पुआया जिला शाहजहांपुर जी, खुशी कोल्ड स्टोरेज मिनी पंजाब है, मिनी पंजाब। अच्छा अभी जो है यहाँ पर इस कोल्ड स्टोरेज में आपका आलू रखा है ना? नहीं, मेरा इसमें भी रखा है, कुछ आगे भी रखा है। जी जी जी, तो यहाँ पर अभी जो है मेरे हिसाब से ये सीड निकला पड़ा है। अच्छा, सीड है किसान का? जी, किसान का सीड निकला होगा, ये सूख रहा है। अच्छा, किसान यहीं से सूखा के लेके जाएगा, दवा लगा के लेके जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये जो शेड बने हुए हैं जी ये किसान के लिए बने हुए हैं, किसान अपना यहाँ से बीज सुखा के, जिनके पास व्यवस्था नहीं है वो सुखा के ले जा सकता है यहाँ से। और बरसात यहाँ कैसी क्या चल रही है? बरसात इस समय काफी दो तीन दिन से मौसम विभाग का भी अलर्ट है और बरसात इस समय तो काफी अच्छी हो रही है और लगता है ये दो तीन दिन और जारी रहेगी, बादलों के हिसाब से देखते हवा चल रही है काफी तेज। बहुत हवा तो बहुत ही तेज चल रही है भाइयों, और इधर जो है मौसम तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। मौसम आज सुबह से मतलब नहीं खुला है, आज सुबह की बात काम है, दो तीन दिन से नहीं खुला है ना? जी हाँ, दो तीन दिन से बरसात हो रही है। तो विक्की भाई बताइए कि बरसात के चलते क्या कुछ बदला? बदला क्या, ये जो बरसात पिछले दो तीन दिन से चल रही है तो इसमें आज भाव में भी बदलाव आया है। आज 50 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से तेजी है, लगभग पहले जो 50-60-70 समझ लिए जो 910-920 बिक रहे थे वो आज 1000 रुपये के चिप्स होना के दाम आज आ चुके हैं, मतलब 50 रुपये का तेजी है। जी हाँ, प्रति पैकेट पर, प्रति पैकेट 50 किलो। अब हमें लग रहा डाउन नहीं होगा? नहीं, अब उम्मीद नहीं है क्योंकि अब आंकड़े सारे निकल के सामने आ गए हैं, अब आलू जो बचा है वो या तो मजबूत व्यापारियों या मजबूत किसानों के हाथों में है, वो अपना आराम से धीरे धीरे ही अब इसको बेचेंगे, क्योंकि आलू अफरा तफरी इसलिए मच गई थी, किसान को कुछ डीएपी की शॉर्टेज बता दिया गया था कि मार्केट में डीएपी, तो किसान ने अफरा तफरी में जिसको जो जैसा भाव मिला वैसा उसने बेच के डीएपी की पूर्ति करनी चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा और मार्केट में दबाव रहा। लेकिन कोल्ड स्टोर में सन्नाटा बहुत दिख रहा है, देखो अभी कोई है ही नहीं, इतना आलू केवल कटा पड़ा है, पूरा कोल्ड खाली पड़ा है, इसका क्या रीजन है? रीजन क्या, यहाँ पे जो हमारे यहाँ आलू जो कटता है वो सिर्फ बीजा कटता है जी, और जो चिप्सोना है वो सिर्फ वो मार्केट में सीधा गीला आलू जाता है, कोल्ड के अंदर से निकल के सीधा पिकअप में लोड हो जाएगा, गीला जाएगा, या अगर यहाँ पे पर्याप्त जगह है तो व्यापारी अपना यहाँ कटवा के, कुछ है मंडियां ऐसी जहाँ पे सूखा आलू बिकेगा, बाकी गीला आलू लगभग बिकता है, हर जगह गीला जाता है टोटल ये।
तो अभी जो है यहाँ पर बुवाई कितनी लेट है? बुवाई लगभग ये बारिश को देखते, वैसे तो यहाँ पे सितंबर के आखिरी सप्ताह में हमारे यहाँ बुवाई चालू हो जाती है अच्छी तरीके से जी, और वैसे बारिश को देखते हुए क्योंकि अब धान की जो फसल खड़ी है वो भी लेट हो गई है और जो बारिश हो रही है इसी वजह से ये आलू भी इसी वजह से यहाँ पड़ा है, नहीं तो ये जो ऊपरी रेतीले इलाके थे जो रेतीला यहाँ पे हमारे यहाँ जगह है उसके लिए आलू था, नहीं तो अब तक ये जाके दो तीन दिन में इसमें अंकुरण हो जाएगा जी। ये अंकुरण होने के लिए लगभग हल्का हल्का फूट भी आया है, तो दो तीन दिन में इसमें अंकुरण हो जाएगा ये लगने के लिए। अगर बारिश खुल गई दो तीन दिन में तो एक सप्ताह में इसकी गड़ाई हो जाएगी ऊंचे इलाकों में जो रेतीले ऊंचे इलाके हैं और रेतीली मिट्टी है उनमें। अभी भाव क्या चल रहे हैं ख्याति पुखराज के? ख्याति पुखराज का यहाँ जो राशन है उसका भाव 800 से 900 रुपए पैकेट सब दाम, सब दाम। और चिप्सोना? चिप्सोना 1000 रुपए आज के भाव, और कलखा के पता नहीं क्या होगा ऊपर होगा। फिलहाल उम्मीद तो यही की जा रही है कि कल भी भाव 10-20 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। और कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पे? ख्याति होता है, पुखराज होता है, और लाल में कुछ वैरायटियां जैसे कुफरी उदय है, क्रूडा है, ITC का, और भी इसका सॉरी उसका महिंद्रा का कोलंबा है, और ये जो कुछ वैरायटियां हैं जो हाइब्रिड 60-70 दिन की वैरायटियां हैं। और कोई खास जानकारी जो कि आप अपने इस एरिया की जानकारी जो है सभी लोगों को देना चाहते हो? देखिए ये जो हमारा एरिया है ये बहुत ही यहाँ पे बलुई दोमट मिट्टी है और आलू के लिए बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, और ये पंजाब जैसा आप समझिए कि पंजाब आपने विजिट किया है वैसा ही ये क्षेत्र हमारा है, और ये इसको लगभग मिनी पंजाब कहते हैं, और अच्छा है हर फसल में, लगभग आलू ही नहीं धान है गेहूं है और आलू तीनों फसलों में हमारा जिला शाहजहांपुर में पुआया और बंडा तहसील अग्रणी है। अच्छा, एक पुआया तहसील अलग है, बंडा अलग है? बंडा अलग है, बंडा ब्लॉक, पुआया ब्लॉक और बंडा ब्लॉक दो ब्लॉक है। दो ब्लॉक है। एरिया कैसा क्या होता है यहाँ पर? यहाँ लगभग एरिया यहाँ से लगभग 14-15 किलोमीटर पे बंडा, तो ये जो थोड़ी सी बेल्ट है लगभग 6-7 किलोमीटर का दायरा है, ये ऐसे लंबा लंबा बंडा ब्लॉक की तरह यहाँ यही जो दोनों नहरों के बीच की जो जमीन है जी इसी पे इसी जमीन पे आलू की बुआई सबसे ज्यादा होती है, तो यही क्षेत्र एक है, यहीं पे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज भी यहीं पे है। यहाँ से सबसे ज्यादा लोडिंग कहाँ की होती है? यहाँ से देखिए यहाँ पे नजदीक हमारे 100 किलोमीटर दूर पे नेपाल बॉर्डर पड़ता है, जो लाल आलू हम लोग पैदा करते हैं वो सारा नेपाल की तरफ चला जाता है जी। और हमारे यहाँ पे बस्ता चिप्सोना जो चिप्सोना लगाया वो हमारी यहाँ की मंडियों में शाहजहांपुर हो गया, नानपारा हो गया, लखीमपुर हो गया, पीलीभीत हो गया, पुआया हो गया, यहाँ की मंडियों में बिकता है। कोल्डो में आलू कितने परसेंट बचा है? अब हमने आज 2-3 कोल्डो की जानकारी ली है तो लगभग 50% का अनुमान है कि आलू निकल गया है, 50-55% के आसपास। और बीजा यहाँ पर कितना होता है कोल्डो में? बीजा लगभग बीजा के ही कोल्ड स्टोरेज है यहाँ पे, मतलब जो बीजा के ही कोल्ड स्टोरेज। अब कितना कोल्डो में बीजा बचा होगा, मतलब परसेंटेज में बताओ? परसेंटेज में लगभग बीजा के अब जैसे ऐसा है ना यहाँ पे, अगर रेशियो ये होता है कि जैसे 1-3 लाख कट्टे का कोल्ड स्टोरेज है तो उसमें 1 लाख कट्टा अगर शुगर फ्री किया गया है तो 2 लाख कट्टा बीजा, तो बीजा सारा वो गड़ाई में जाएगा, और जो 1 लाख कट्टे का जो हमारे लोगों का ये चिप्सोना शुगर फ्री का था उसमें से लगभग 50-55% निकल चुका है। तो लग रहा है मुझे जितना राशन होता है उतना ही बीजा होता है? नहीं, बीजा की मात्रा ज्यादा है। बीजा की ज्यादा होती है? 70% बीजा है। अच्छा, तो अब तो बीजा की बिक्री वगैरह शुरू हो गई होगी? हाँ, यहाँ से हमारे यहाँ से पुआया तहसील से जो ये यहाँ से पास पड़ोस के जितने भी इलाके हैं सारों सभी जगह के लिए बीजा यहीं से जाता है, यही मुख्य उत्पादन का जो क्षेत्र बीजा देने का जो स्रोत है यही कोल्ड स्टोरेज है, यहीं से बीजा जाएगा पास पड़ोस के जितने भी इलाके हैं उनके लिए। तो आगे आलू में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, आलू आगे आने में अब तो सब साफ ही हो गया है, आगे आने में जो समय है उसमें तेजी ही आएगी, कोई ऐसी अभी दिक्कत सामने देखने को इधर कोल्डो में कोई आलू ज्यादा नहीं बचा है? कोई ज्यादा नहीं बचा। ठीक, कौन सी जगह है? यहाँ पर कैपेसिटी कितनी है तुम्हारे कोल्ड में भैया? 1,80,000। आप कौन है कोल्ड में? सुपरवाइजर निकासी बाबू। अच्छा, 1,80,000 कैपेसिटी है, इसमें से बीजा कितना 1,000 पैकेट है? 1 लाख। राशन कितना है? 1,25,000 लगभग बीजा है, 64,000 कट्टा शुगर फ्री है। 64,000 कट्टा राशन था। राशन आलू कितना निकल गया? लगभग 34-35। बचा कितना? 30,000। समय तो है, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत? बहुत कम आलू बचा है, राशन आलू 30-35,000 राशन आलू बचा है। और ये देख रखते हो आप लोग, ये खुशी कोल्ड स्टोरेज है। चलिए आगे और बात करते हैं।